नमस्कार दोस्तों, देश में भीषण गर्मी की वजह से कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है, जिससे बिजली की डिमांड काफी बढ़ गई है। कई जगह कोयले की कमी हो गई है, जिससे बिजली की आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ा है। कोयले की कमी अगर लंबे समय तक रहती है तो बिजली की आपूर्ति पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। दरअसल भारतीय रेलवे ने इस महासंकट से निपटने के लिए 20 दिनों तक लगभग 1100 ट्रेनें ट्रिप्स को रद्द करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब रेलवे ने कोयले से लदी मालगाड़ियों को तेजी से निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है। एक्सप्रेस ट्रेनों की 500 ट्रिप्स जबकि पैसेंजर ट्रेनों की 582 ट्रिप्स रद्द कर दी गई है। देश में कोयले के संकट से निपटने के लिए रेलवे ने कुल 1081 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे के इस फैसले से निश्चित रूप से मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी और कोयले की ढुलाई करने में मदद मिलेगी। वहीं इस फैसले से बिजली संकट से काफी हद तक निपटा जा सकता है। दरअसल रेलवे ने 20 दिनों तक ट्रेनों को बंद करने का जो फैसला लिया है, इससे आम आदमी को काफी संकट उठाना पड़ेगा। वहीं रोजाना अपने व्यापार को लेकर इन ट्रेनों का इस्तेमाल करने वाले लोग भी परेशान होंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत कई राज्यों में कोयला संकट की वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कई राज्यों में बिजली की कमी देखी जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी बिजली संकट से जूझने के बाद रेलवे ने ऐसा ही फैसला लिया था। एक महीने तक 670 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया था, जिससे कि मालगाड़ियों के फेरों को बढ़ाया जा सके। इस वजह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्यों से आने वाले लोगों को काफी असुविधा हो रही थी। देश के कई राज्यों में बिजली संकट को देखते हुए केंद्र सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। बिजली की मांग में लगभग 20% की वृद्धि को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से संचालित करने का आदेश दे दिया है। कोयले की कमी से जूझ रहे पावर प्लांट तक लगातार कोयला पहुंचा जा रहा है। इस काम में रेलवे ने बड़ी संख्या में मालगाड़ियों को लगाया हुआ है। कोयला ले जाने के दौरान कई मालगाड़ियों के ब्रेक फेल हो रहे हैं। हाल ही में जबलपुर में चलने वाली 4 मालगाड़ियों में ऐसी 6 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें इंजन ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद भी मालगाड़ी नहीं रुकी। इन एक्सीडेंट से डरकर ट्रेन ड्राइवरों ने इन मालगाड़ियों को चलाने से मना कर दिया। इधर पश्चिम मध्य रेलवे की यूनियन ने इन घटनाओं को रेलवे की सुरक्षा में कड़ी चूक बताया हुआ है। इन मालगाड़ियों की रैक की जांच करने की मांग की गई है, जिसके बाद लखनऊ से रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम जबलपुर रेल मंडल आकर इन रैक की जांच कर रही है। पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में मालगाड़ी चलाई जा रही है। रैक की कमी को देखते हुए रेलवे ने एक प्राइवेट कंपनी से भी रैक लिए हैं। इस कंपनी के 4 रैक लिए गए हैं। हर रैक में 58 कोच होते हैं। पिछले दिनों ब्रेक फेल होने की घटनाएं हुई थी। जिस मालगाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद 800 से 900 मीटर तक रुकना था, वह 5 किलोमीटर के बाद जाके रुकी। प्रारंभिक जांच में ये बातें सामने आई है कि इन कोचों में लगाए गए ब्रेक में गड़बड़ी है। जांच में पता चला कि इंजन से ब्रेक का प्रेशर छोड़ने के बाद ये निर्धारित मात्रा में व्हील तक नहीं पहुंच पाया, बीच में ही ब्रेक हो गया। जांच में ये भी पता चला है कि जिस पाइप की मदद से ब्रेक का पावर छोड़ा गया, उसमें एक प्लास्टिक का टुकड़ा मिला था। 7 दिनों से जांच टीम के सदस्य जबलपुर रेल मंडल में डेरा डाले हुए हैं। इस टीम में मैकेनिकल, ऑपरेटिंग और इलेक्ट्रिकल के एक्सपर्ट्स के सदस्य शामिल हैं। ये टीम जबलपुर रेल मंडल के घटना स्थल सागर, सकोनी, पथरिया और बीना स्टेशन के आसपास प्राइवेट ट्रैक को चलाकर जांच कर रही है। टीम ये देख रही है कि गड़बड़ी ब्रेक में है या फिर मालगाड़ी के पहियों में है, जबकि जांच टीम यहां 16 मई तक रुकेगी और सभी तथ्यों को परख कर अपनी रिपोर्ट RDSO को सौंपेगी। इसके बाद ही ब्रेक न लगने की सही वजह सामने आएगी।